के अंदर काफी भारी बारिश हो रही है और इस और आप इंजॉय करें इस बारिश का। ऐसा पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है जब इनके पत्ते साफ हो। बारिश जम के होना चाहिए 24 घंटा 48 घंटा कम से कम। देखिए फर्क तो पड़ेगा क्योंकि इन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हमारे धान सूख रहे, पेड़ वो धान लगाने वहाँ कोई पानी नहीं है, दूसरे मांगना पड़ता है पानी, वहाँ मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ बरस के क्या फायदा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइक माय ड्रीम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर काफ़ी भारी बारिश हो रही है और इसी दिन का दिल्ली वालों का इंतज़ार था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो दिल्ली में पिछले एक दो महीने से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि यहाँ के लोग परेशान हो गए थे और वो इसी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है बहुत, और अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगा। और मैं ऑफिस जा रहा था फ्रेंड्स, तो रास्ते में अचानक ही बारिश आ गई, तो छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिला, तो ये ढाबा वाले भैया है यहाँ पे, मैं आकर के छुप गया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं बच भी नहीं सकता था और कोई जगह नहीं था मुझे रुकने के लिए, तो यहीं पर ही आके और बारिश से बचने के लिए यहीं पर ही आया और रुका हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। और ये ब्लॉग मैंने आप सबके लिए बनाया है क्योंकि बारिश होते टाइम का जो ब्लॉग होता है काफ़ी खूबसूरत ब्लॉग बनता है, तो ये सब मैंने आपके लिए बनाया है फ्रेंड्स। और आप इंजॉय करें इस बारिश का। ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो रेनिंग जो सीज़न है वो आ चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी ब्लॉग समय समय पे लाता रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ जो भी अपडेट होता है दिल्ली के अंदर। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं इनको काफ़ी राहत मिली है गर्मी से, ये भी हमारे तरह ही पानी के लिए प्यासे होते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से ऊपर वाले मेहरबान हैं और ये जो पेड़ पौधे हैं काफ़ी आनंदित हो चुके हैं इस वर्षा होने से, इस बारिश के होने से। और देखिए एक दो तीन चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। एक तो बारिश होने से जो पोल्यूशन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, पेड़ पौधे के ऊपर जो धूल मिट्टी जो उनके पत्तों के ऊपर जो पड़ा रहता है ये सब भी साफ हो जाता है, जो कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि। तो फ्रेंड एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, क्योंकि बारिश होने से पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना वो काफ़ी साफ़ हो जाते हैं और जिसके वजह से उन्हें पेड़ पौधों को ऑक्सीजन छोड़ने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स ये इसके कई फ़ायदे होते हैं बारिश होने से। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे इस सीज़न को, इस जो रेनिंग सीज़न जो दिल्ली के अंदर आई है, और सब आप लोग काफ़ी इंजॉय करें इस सीज़न का क्योंकि काफ़ी दिनों से दिल्ली के अंदर बारिश का इंतज़ार था लोगों का और अब आ चुका है वो दिन, तो आप लोग इंजॉय करें। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं काफ़ी खुशहाल नज़र आ रहे हैं, ये सब भी प्यासे थे काफ़ी दिनों से। तो फ्रेंड्स ये ढाबा वाले भैया मेरे साथ हैं, इन्हें भी काफ़ी बारिश का इंतज़ार था क्योंकि दो तीन महीने से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गर्मी पड़ रही थी ये लोग भी काफ़ी परेशान थे, हम सब भी परेशान थे। चलिए इनसे जानते हैं कि अब ये जो बारिश हुई है और इससे क्या इनको राहत मिलेगा क्या। भैया बताइए, ये जो बारिश हुई है क्या आपको लगता है कि इस बारिश से दिल्ली को राहत मिलेगी? नहीं मिलेगा राहत। क्यों, ऐसा क्या है? फिर गर्मी आएगी। तो भैया बता रहे हैं कि इस बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है तो फिर गर्मी आएगी। तो ये मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की बारिश हो? बारिश जम के होना चाहिए 24 घंटा 48 घंटा कम से कम, तब होगा राहत। अच्छा, भैया बता रहे हैं कि बारिश जम के होनी चाहिए, 24 घंटे बारिश होनी चाहिए जिससे कि इनको राहत मिलेगी। ये बात तो सच बता रहे हैं क्योंकि एक दो घंटे की बारिश से तो कुछ राहत तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना ज़्यादा कि कंटिन्यू बारिश अगर एक दिन दो दिन अगर होती है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं और भी कुछ लोगों से उनका क्या राय है।
कि आप देख पा रहे हैं ये सैलून है और ये अभी ये सैलून बंद है। और यहाँ पे दो स्टूडेंट मुझे नज़र आए जो कि बाल कटवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली इन्होंने बताया कि अभी सैलून वाले भैया आ रहे हैं, तो जब तक ये लोग वेट कर रहे हैं उनका, तो चलिए आज बारिश हुई है तो इनका क्या राय है बारिश के ऊपर इनसे जानते हैं। तो दोस्त ये बताओ मुझे कि इस जो बारिश जो अभी हुई है इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा दिल्ली को? नहीं देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि इन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अब सावन हो रहा है तो अब कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो जाए तो गर्मी से बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी आप भी जानते हैं, 40-50 पार कर दिया था, तो अब सच में सुकून है। आज का मौसम आप भी देख रहे हैं कि कितना हरा भरा हो रहा है, पूरा सब जगमगा गया है। तो फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि काफ़ी सुकून है और मौसम हरा भरा हो चुका है, तो ये बात सच है कि 2-3 महीने से जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी वो काफ़ी मतलब ज़्यादा गर्मी था, तो अब मौसम इनके अनुसार हरा भरा हो चुका है और सुहाना हो चुका है। चलिए दूसरे वाले फ्रेंड से जानते हैं आपका क्या राय है इसके ऊपर, क्या बारिश जो हुई है अभी दिल्ली में इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों तो जो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर आज से जो मौसम देख रहे हैं इस हिसाब से कल भी अगर ऐसा मौसम रहा तो आगे जाके जनता को राहत मिलेगी। जिस तरह चल रहा है बारिश फिर बंद हो जाएगी, फिर ऐसी गर्मी पड़ जाएगी, अगर धूप खुल गई फिर गर्मी पड़ जाएगी। अब बहुत सही बात है फ्रेंड्स, इनका कहना है कि ये जो बारिश हुई है अगर काश अगर ये बारिश कल भी हो तो जिस तरीके से जिस लोगों का जो बारिश का जो इंतज़ार था, जो राहत जिस तरीके से लोग चाहते हैं वो और अधिक मतलब मिलेगा, तो चाहते हैं कि और भी बारिश, अभी दिल्ली वालों को चाहते हैं कि कंटिन्यू बारिश हो जिससे कि यहाँ के लोगों को जनता को काफ़ी राहत पहुँचे। गाँव में बारिश हो तब भी ठीक है, वहाँ हमारे धान सूख रहे, पेड़ वो धान लगाने, वहाँ कोई पानी नहीं है, दूसरे मांगना पड़ता है पानी, वहाँ मिल ही नहीं रहा, अब यहाँ बरस के क्या फ़ायदा है, हो तो हमारे गांव में हो। लेकिन एक चीज़ है ना कि यहाँ पे बरस के यही फ़ायदा है कि थोड़ी सी जनता को राहत मिलेगी। राहत क्या मिलेगी, फिर गाड़ियाँ चलेगी, प्रदूषण होगा, फिर गर्मी फैलेगी, फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पे होने का, हो तो गाँव में हो। उससे तो राहत मिली है इतने दिन से जो गर्मी चल रही थी। चलिए फ्रेंड्स ये लोगों का अपना अपना राय था बारिश के ऊपर, तो ये अच्छी बात है। चलिए एक और हमारे साथ एक अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या राय है। तो फ्रेंड्स ये हमारे साथ एक अंकल जी है और ये बता रहे हैं कि ये कारपेंटर का काम करते हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या राय है इस बारिश के ऊपर। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश अभी जो दिल्ली में हुई है क्या इससे राहत मिलेगा दिल्ली वालों को? सर कुछ तो ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कई दिनों से, तो इस और ये 4-5 दिन से काफ़ी गर्मी था और ये रात में भी परेशानी था, बिजली भी चली जाती है ऐसे, तो अभी जो है थोड़ा आज बारिश सुबह से ठंडा पड़ा है, आप देखिए आगे जो हो। तो फ्रेंड्स इनका कहना है कि दिल्ली में भी कई जगह बिजली की कमी होती है जिसके कारण लाइट चली जाती है और उससे जो गर्मी काफ़ी होती है, तो बारिश होने से थोड़ा सा राहत मिलता है इन सब चीज़ों से भी, तो ये इनका अपना राय था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सी यू गाइज़।